जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं मिक्सअप क्वेश्चंस, और आपका क्वेश्चन नंबर आज से 72 है, 71 तक हो गया था, तो 72 आपकी स्क्रीन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, में से कौन सा है जो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है? ऑप्शन ए, और कोई क्यों सब लोग ए से जाएंगे? हाँ, 20 बी, और कोई बी के अलावा कोई? सी, कितने लोग हैं सी वाले? सी, और डी वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं। ए वाले कितने लोग हैं? दो लोग। बी वाले कितने लोग हैं? तुम सब हाथों उठाइए ना, रही हो यार, हथौड़ा नीचे नहीं होगा क्या तुम्हारा? ए कितने लोग, बी कितने लोग हैं? एक अकेला लड़का और एक अकेला चांद, चना पता नहीं क्या कहा होता है ना, अकेला चना भरना, लेकिन फोड़ दिया है इसने, क्योंकि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि कभी भी ईमेल आईडी में ऐसा थोड़ी है कि हम स्पेस दबाते हैं और @gmail.com लिखते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, लेकिन बी नहीं हो सकता। स्पेस कभी देखे हैं कि दस को space@gmail.com, ऐसा कहीं बताएं आप लोग 10 बार space@gmail.com? नहीं ना, तो हाँ email@gmail.com हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब ये कहिए कि अब आपका क्या नाम है, कौन सा मिश्रा? अब दिवेश मिश्रा बन सकता है इस टाइम, नहीं कोई बना दिया होगा तो आप नंबर जोड़ लीजिएगा 123 आए जो भी, उससे क्या मतलब है? email@gmail.com गलत नहीं है ना, ईमेल कोई नाम ही है ना, या सिर्फ नंबर लिखा वो 1 से लेके 90 तक कोई होगा? नहीं होगा, बन जाएगा लेकिन ना, तो फिर वो भी बन जाएगा। अगला दिया है email@domain.com, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? @gmail.com ही होता है, gmail.com ही का डोमेन नेम बोला जाता है, सब हो जाएगा, सिर्फ बी नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, देख लीजिए, वैसे बी सही है। अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है वैसे, सेपरेट करता है @ डोमेन को सेपरेट करे, अलग करे या जोड़े, दोनों में @ ही आंसर होगा। किसका यूज डोंट हैव टू रिमेम्बर, अगर आपको अपना ईमेल आईडी रिमेम्बर नहीं है तो किसका यूज करेंगे आप? ब्राउजर, सर्च इंजन, एड्रेस बुक या फोन बुक? सर्च इंजन, सब लोग सर्च इंजन वाले हैं? हाँ, कोई अलग वाला ही है? किससे हैं बताइए, अलग वाले किससे हैं बताइए, फिर बताओ। ब्राउजर, और कोई है ब्राउजर के अलावा भी? राइट आंसर होगा, लड़कियां बताए क्या होगा? हाँ, दूसरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एड्रेस बुक, ऑप्शन सी एड्रेस बुक। अब अगला बताइए, उमंग का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? एप्लीकेशन है ना उमंग, पूरा नाम क्या है? तो दूसरा होगा, पहला होगा? हाँ, न्यू एज गवर्नेंस होता है, यूनिफाइड, ठीक है, बढ़िया है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, लिख लीजिए उमंग का फुल फॉर्म, लिख लीजिए आप लोग। श्रेया फॉर्म भर लियो ओ लेवल का, क्यों सर से बात हो गई है? पता है मुझे, अच्छा ठीक, नहीं मुझे नहीं पता है ना। अब नहीं देखते मैं, हाँ देख है, मन ने किया फिर भी देख लिए, आदत सी है इंडिया को लेकर, दिख रहे हैं अच्छा खेले सब, बहुत अच्छा खेले सब, अगर उस दिन भी इस टाइप खेल दिए होते सब T20 समझ के, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीतते। दिखेगा तब, कौन बुढ़वा नहीं मारा था बताओ, कौन बुढ़वा नहीं मारा था?
वो नमो एक नाम दिख रहे था, कौन मारा था? तुम पहले नाम बताओ, तुम कहो नहीं मारा था, तुम नाम बताओ कौन नहीं मारा था, दो नाम दो। विराट कोहली और रोहित शर्मा का। हाँ, तो उसके अलावा कौन बुढ़वा था? सब बुढ़वा था। कौन बताओ? सूर्य कुमार अगर बुढ़वा है, शुभमन गिल बुढ़वा है, श्रेयस अय्यर बुढ़वा है, अकेला राहुल नहीं मारा था, सब 50 से मारे थे। चलिए अगला देखिए, ये सब बातें मत करिए, सो जो भी दिया है भी दिया है, पढ़ाई पे अब ध्यान दीजिए। कह रहा है वेयर डू यू राइट सिग्नेचर लाइन इन ईमेल? अबव बिलो राइट लेफ्ट? बिलो होता है। सेंडिंग ईमेल इज टाइम कंज्यूमिंग? सेंडिंग ईमेल इज द टाइम कंज्यूमिंग। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? नहीं सर। नहीं सर, क्या नहीं सर? तो यही बोलो फाल्स। क्या होगा? फाल्स होगा, टाइम नहीं कंज्यूम करता है, तुरंत चला जाता है। चलिए अगला, वी कैन रिसीव मेल ऑन आवर रेसिडेंटल एड्रेस, मतलब हमें ईमेल रिसीव होता है मेल हमारे रेसिडेंटल, जहां हमारा निवास स्थान है, सही है? मेल की बात किया है, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है, पोस्ट की बात कर रहा है, ईमेल आईडी भेजते तो अपने घर पहुंचता है। कुछ सुन लो, ईमेल आईडी मेल करते हैं हम इसको, तो इसकी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, यही बच्चे ट्रिपल सी पास करेंगे। मेल की बात हो रही है ना, ईमेल की बात हो रही है ना, ईमेल कहाँ होता है? आपके एड्रेस पे पहुंचता है, ईमेल एड्रेस पे, ना कि घर वाले एड्रेस पे। गजब बात है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन से, डिजिटल फाइनेंशियल टूल और एप्लीकेशन से है। पहला है आरटीजीएस का पूरा नाम आप जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, कौन बेनिफिट बेनिफिशियल नहीं है इंटरनेट बैंकिंग के लिए? गेट हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पे बिल ऑनलाइन, ट्रांसफर फंड ऑन द गो, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट टाइम। पहला ही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नेट बैंकिंग ब्याज थोड़ी देता है, आप बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं, अपना स्टेटमेंट या बैलेंस चेक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से ये तीन चीजें कर सकते हैं, हाइयर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलने वाला उससे। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द आधार सीडिंग, आधार सीडिंग क्या है? तो बैंक अकाउंट में आधार लिंक कराना क्या कराता है? सुन लो पहले, बैंक में आधार लिंक करना क्या कराता है? बैंक सीडिंग कहलाता है, आधार सीडिंग ही कहलाता है, जहां जहां आधार जोड़ते हैं हम लोग वो क्या कहलाता है? आधार सीडिंग कहलाता है। आला बीएबो कहीं दिया ही नहीं है, तो कहां सही हो जाएगा आला बीएबो? कहा पूरा हो जाएगा, कैसे पूरा जाएगा? जब आला बीएबो दिया ही नहीं है तो पूरा कैसे हो जाएगा? नन ऑफ द अबव का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? आधार लिंक आधार टू बैंक होगा, आला बीएबो कभी नहीं होगा, ठीक है? सुनना की बात ना, आधार सीडिंग का वर्ड वही यूज किया गया है, बैंक के लिए यूज किया गया है। इंडियन करेंसी की साइन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड, कब उसको लिया गया था? अडॉप्ट का मतलब इसे अडॉप्ट शब्द मतलब लेना भी होता है, और वही अगर बच्चों की बात किया जाए तो गोद लेना होता है, कि मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का खुद का बेटा नहीं थे, उनको अडॉप्ट किया गया था, पता है ना, जिनको बांधती थी पिठुआ पे, देखे थे? अच्छा, मतलब उस जमाने क्या है आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ये मैं इसको सर्च भी कर लिया जाएगा, ये सब चीजें राइट आंसर पता रहे तो ज्यादा बेहतर है वैसे। अभी कहेगा 2 दिन पीछे तो है, तो नंबर मिल ही सकता है, तो ये तो पीछे है। सही है, मतलब द इंडियन रुपीज साइन इज, जो साइन किया गया है, साइन है रुपीज का, यही ना रुपीज का साइन है, कब एडॉप्ट किया गया था, कब लिया गया था अपने, तो पहले नहीं था नोट पे, अपने नोट पे नहीं आ रहा था 2010 से पहले, बाद में आने लगा, तो
कब किया गया था? 15 जुलाई। किसी का बर्थडे नहीं है उस दिन? चलिए लिख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि रुपीज का साइन किस सन में लिया गया था? तो 15 जुलाई 2010 में एडॉप्ट किया गया। अब किसने किया तो वो भी सर्च कर लेना। ये साइन कोई कोई थोड़ी करता है, कमिटी करती है, एक आदमी थोड़ी करता है। कोई भी चीज पहले संसद में रखा जाता है, पारित होता है, तब कोई नियम लागू किया जाता है। ऐसे हम कोई नियम नहीं बना सकते, समझ रहे हो? अगला है विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर बाई बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR चेक को पढ़ने के लिए इसी का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहले रीडर लोग बोलते थे, अभी रीडर चेंज हो गया है ना। BCR में बार कोड रीडर ही होता है, लेकिन बाकी में OCR में MICR में OMR में R रीडर से चेंज हो गया, रिकॉग्निशन हो गया है। रिकॉग्निशन अगला है विच बैंक प्रोवाइड नेट बैंकिंग फैसिलिटी। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड की बात तो किया नहीं है, तो सारे नेट बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, क्यों क्या लग रहा है वैसे? क्योंकि इसमें ये तो नहीं पूछा ना कि पहले कौन दिया था या कौन क्या क्या है, कंडीशन कोई नहीं है, बस इतना पूछा कौन कौन फैसिलिटी देते हैं नेट बैंकिंग का। तो सारे ही देते हैं, SFC स्टेट देता है, नहीं बड़ौदा के बारे में नहीं पता है, तो इतना तो पता ना SGFC देता है, स्टेट देता है। जब ये दोनों दे रहे हैं तो दो आंसर तो सही होंगे नहीं, जाहिर सी बात तीसरा भी सही होगा, तभी तो आप ग्रेवर पे जाएंगे। कह रहा है व्हाट इज रुपए डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, इशू बाय NPCA है ऑफ इंडिया है, एक्सेप्टेड बाय ऑल ATM है कि ऑल ऑफ द अबव है, सारे ही होंगे, ऑल ऑफ द अबव ही होंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड भी है। और जानते हैं ना कि आजकल जो क्रेडिट कार्ड रुपए का आ रहा है उससे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, UPI पेमेंट भी कर सकते हैं, उससे नया ऑप्शन आ गया। रुपए को लोग नॉर्मल लेते थे, अभी रुपए की वैल्यू बढ़ गई, रुपए कार्ड की, समझ रहे ना बात को? थोड़ा पढ़िएगा उसके बारे में, आ जाकर थोड़ा सा ब्यौरा रुपए कार्ड के बारे में। इससे UPI पेमेंट भी आप किसी को कर सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। चलिए अगला है हाउ मेनी डिजिट इन ए नंबर प्रिंटेड ऑन ATM कम डेबिट कार्ड। तो ATM कार्ड कितने अंकों का होता है? ठीक है 16 सही है। कह रहा हु इज बैंक कॉरेस्पोंडेंट। एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस, एन एजेंट हु ऑफ हाउसिंग बिजनेस, ए टाइप ऑफ मनी लेंडर, या नन ऑफ दिस। कौन है बैंक कॉरेस्पोंडेंट? हाँ ऑप्शन ए एन एजेंट हु प्रोवाइडिंग बैंक, वो एजेंट जो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगला है ई कॉमर्स बिकम अवेलेबल एनी टाइम एनी वेयर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। अगला गोल्ड लोन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट होल्डिंग गोल्ड, सही है? चलिए खत्म हो गया क्या? इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग, 3D यानी 3D, एक बार सुनिए क्वेश्चन को, फिर देख लीजिएगा। ई कॉमर्स हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं, क्या है अवेलेबल एनी टाइम एनी वेयर, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं होता है, इसीलिए फाल्स हुआ है, इसीलिए पूछा हूँ फाल्स। अगला है इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग, मोबाइल का यूज ना करें, सामने देखें आप लोग। चार्ल्स वुड, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स नहीं होगा, स्टीव जॉब्स भी नहीं होगा, बचा लैरी पेज और चार्ल्स वुड, क्या लग रहा है? चार्ल्स वुड होगा। 3D लिख लीजिएगा, 3D प्रिंटिंग के इन्वेंटर ऑफ 3D प्रिंटिंग।
हो गया बाबू, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन AI, जानते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पे अप्लाइड है? अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीरियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और फेस की बात किया है कि फेस की पहचान की जा सके। अप्लाई सीरियल स्ट्रांग पैरेलल, क्या लग रहा है? हाँ, पहला ऑप्शन ये होगा अप्लाई। What is the password used for? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद होता है, तो सिक्योरिटी के तौर पे इसका यूज किया जाता है। रिलायबिलिटी क्या लग रहा है आपको? सिक्योरिटी। चले, What is means of RPA? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोट प्रोसेस होगा, रोबोटिक होगा। क्या है? रोबोटिक लिख लीजिएगा। हो गया। अगला देखिए, ये क्या होगा? द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। IoT को पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कह रहा है द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव इट कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट या ह्यूमन व्हाट इज कॉल्ड। अगर मतलब आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर रही है लेकिन मनुष्यों के द्वारा नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोर्ड टू बोर्ड, मशीन टू मशीन। बोर्ड टू बोर्ड नहीं बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, मशीन टू मशीन होगा। क्या होगा? मशीन टू, क्योंकि बोर्ड टू बोर्ड कब होता है कि जब हम देखते होंगे किसी एप्लीकेशन पे, चाहे फ्लिपकार्ट कहिए या कोई एप्लीकेशन है, 1MG हो गया या पेटीएम हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, तो वो मैसेज बोटिक होते हैं, उधर से रिप्लाई आता है। आप कुछ कहिए तो आपके बात नहीं समझते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, खाली पूछते हैं क्वेश्चन और तब जाके आप कस्टमर हेल्प ले पाते हैं, समझ रहे ना? तो बोट होता है, समझ रहे ना? लेकिन ये बात हो रही है आपस में, तो ये होंगे मशीन टू मशीन। क्या कहलाएंगे उसमें? विया क्या है? नॉट विया ह्यूमन, उसमें मनुष्यों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड IoT? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, स्मार्ट वॉच, ATM, रेडियो और वीडियो गेम। स्मार्ट वॉच नहीं होगा। हाँ ठीक है, देख लीजिए क्या होगा। ATM होगा। ATM का पूरा नाम अभिप्राय होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखिएगा। कब IoT इंट्रोड्यूस किया गया था? 1999 में।
लिख लीजिएगा 1999 में आईओटी को इंट्रोड्यूस किया गया था और आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लिख लीजिएगा आईआईओटी नहीं आईओटी ना होता होगा नहीं पता। हो गया 1999 में कह रहा है when did IoT devices surpass people in a number 2008 में हुआ था। लिख लीजिएगा ये भी अगला क्वेश्चन है इट ऑफ विच इज वन ऑफ द फीचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस रिमोटली कंट्रोलेबल प्रोग्रामेबल कैन टर्न देमसेल्फ ऑफ इफ नेसेसरी और ऑल अदर फीचर्स सारे फीचर हो सकते हैं। ठीक है फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू वेरी गुड एंड लास्ट वन इज इंस्टाग्राम इज ए मोबाइल सोशल मीडिया ऑन बाई गूगल गूगल के द्वारा है क्या होगा फाल्स हो जाएगा। ठीक है और इस तरह से आपकी एक सीरीज खत्म मिलते हैं अगली सीरीज में। थैंक यू एक क्वेश्चन टू वाली थी कल से अगली स्टार्ट होगी।